दोस्तों आज हम लोग जिस प्लान के रिगार्डिंग बात करेंगे उसका साइज है 22 फीट इंटू 32 फीट। ये 78 गज में बना हुआ है। इसका स्क्वायर फीट है 704 स्क्वायर फीट और इसका बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्स 7 लाख पर यूनिट। ये फ्रंट साइड में रोड है। फ्रंट का डायमेंशन है 22 फीट, इस साइड का डायमेंशन 32 फीट, बैक का डायमेंशन 22 फीट और इस साइड का डायमेंशन 32 फीट। दोस्तों ये टोटल ग्राउंड टू टॉप फ्लोर का प्लान है। इस प्लान में हम लोग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर का डायमेंशन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर के प्लान के डायमेंशन से। ये फ्रंट साइड में रोड है। यहाँ मेन गेट दिया हुआ है। एक मेन गेट स्टेयर होकर के ग्राउंड फ्लोर और अपर फ्लोर दोनों के लिए है और एक मेन गेट डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर के लिए है। हम लोग इस मेन गेट से जब अंदर आएंगे तो ये सबसे पहले स्टेयर एरिया आ जाएगा। इसका डायमेंशन है 12 फीट 11 इंच इंटू 6 फीट 6 इंच। इस साइड का डायमेंशन 12 फीट 11 इंच और इस साइड का डायमेंशन 6 फीट 6 इंच। इधर भी 6 फीट 6 इंच हो गया। एक लैंडिंग का डायमेंशन यहाँ पे है 3 फीट 3 इंच। एक डायमेंशन यहाँ दिया गया 3 फीट 6 इंच। इस स्टेयर एरिया में यहाँ से अप होना स्टार्ट होगा। यहाँ फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगा 8 फीट हाइट पे। इसी के नीचे में यहाँ पे मेन गेट लगा हुआ है। इसके बाद और अप होकर के हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। इस स्टेयर एरिया में यहाँ पे एक विंडो दिया गया है रोशनी के लिए। ये डोर है अंदर जाने के लिए। ग्राउंड फ्लोर में यहाँ से जब इन करेंगे तो सबसे पहले गेस्ट रूम आ जाएगा एक। इसका डायमेंशन है 9 फीट इंटू 10 फीट 6 इंच। इस साइड का डायमेंशन 10 फीट 6 इंच और इस साइड का डायमेंशन 9 फीट। इस गेस्ट रूम में यहाँ एक विंडो दिया हुआ है। ये डोर है अंदर जाने के लिए। एक डोर यहाँ दिया गया है इसका गेस्ट रूम के साथ, जो सेपरेट बाथरूम दिया गया है उसके लिए। इस गेस्ट रूम के साथ ये सेपरेट बाथरूम दिया गया है जिसका डायमेंशन है 9 फीट इंटू 3 फीट 4 इंच। इस साइड का डायमेंशन 9 फीट और इस साइड का डायमेंशन 3 फीट 4 इंच। इस बाथरूम में यहाँ पे टॉयलेट सीट लगा हुआ है, यहाँ वॉश बेसिन लगा हुआ है, यहाँ शावर पैनल लगा हुआ है और ये डोर है इस बाथरूम का। इस बाथरूम में एक वेंटिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इस गेस्ट रूम साइड से या फिर इस स्टेयर साइड से, इस डोर से या फिर इस डोर से अंदर आएंगे तो हम लोग सबसे पहले डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे जिसका डायमेंशन है 10 फीट 4 इंच इंटू 9 फीट। इस साइड का डायमेंशन 10 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन 9 फीट। हम लोग किचन की बात करें तो इस डाइनिंग स्पेस के साथ यहाँ पे एक किचन दिया गया है। ये किचन है। इसका डायमेंशन है 6 फीट 11 इंच इंटू 4 फीट 10 इंच। इस साइड का डायमेंशन 6 फीट 11 इंच और इस साइड का डायमेंशन 4 फीट 10 इंच। इस किचन में यहाँ पे किचन सिंक लगा हुआ है, यहाँ गैस स्टोव रखा हुआ है। एक विंडो दिया गया है यहाँ पे। ये ओपन डोर दिया गया है इस किचन में। हमने यहाँ पे एक पूजा रूम दिया है। ये पूजा रूम है जिसका डायमेंशन है 3 फीट इंटू 4 फीट 10 इंच। इस साइड का डायमेंशन 3 फीट और इस साइड का डायमेंशन 4 फीट 10 इंच। इस पूजा रूम में एक विंडो यहाँ पे दिया हुआ है। ये ओपन डोर दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक कॉमन बाथरूम दिया है जिसका डायमेंशन है 6 फीट 5 इंच इंटू 6 फीट 6 इंच। इस साइड का डायमेंशन 6 फीट 6 इंच और इस साइड का डायमेंशन 6 फीट 5 इंच। इस बाथरूम में यहाँ एक वेंटिलेशन दिया हुआ है। ये डोर है इस बाथरूम का। इस बाथरूम में यहाँ पे वॉश बेसिन लगा हुआ है, यहाँ पे शावर पैनल लगा हुआ है, यहाँ पे टॉयलेट सीट लगा हुआ है। हम लोग बेडरूम की बात करते हैं। इस डाइनिंग स्पेस से, इस डोर से जब इन करेंगे तो यहाँ एक बेडरूम दिया है मैंने जिसका डायमेंशन है 11 फीट इंटू 11 फीट। इस साइड का डायमेंशन 11 फीट और इस साइड का डायमेंशन भी 11 फीट। इस बेडरूम में यहाँ पे एक विंडो दिया गया है, एक विंडो इस साइड में दिया गया है। ये डोर है इस बेडरूम का। इस डाइनिंग स्पेस से, इस डोर से जब इन करेंगे तो यहाँ मैंने एक और बेडरूम दिया है जिसका डायमेंशन है 11 फीट इंटू 9 फीट 9 इंच। इस साइड का डायमेंशन 9 फीट 9 इंच और इस साइड का डायमेंशन 11 फीट। यहाँ पे एक विंडो दिया गया है, एक विंडो इस साइड में दिया गया है। ये डोर है इस बेडरूम का। हम लोग वॉल की बात करें तो इस प्लान में सभी वॉल 5 इंच के दिए गए हैं। ये 5 इंच है। दोस्तों इस प्लान में ग्राउंड फ्लोर की तरह ही फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक सेम सारा कुछ रहेगा। सेम जगह में रूम रहेगा, सेम जगह में वॉल रहेगा। ऊपर में भी यहाँ जैसे स्टेयर एरिया है वैसे ही स्टेयर एरिया रहेगा। यहाँ गेस्ट रूम रहेगा। इस गेस्ट रूम के साथ यहाँ पे सेपरेट बाथरूम रहेगा। ये डाइनिंग स्पेस है। यहाँ पे किचन है, यहाँ पे पूजा रूम है और यहाँ पे कॉमन बाथरूम दिया गया है। एक बेडरूम यहाँ पे दिया गया है, एक बेडरूम यहाँ पे दिया गया है। ये टॉप फ्लोर तक सेम प्लान रहेगा, सेम डायमेंशन रहेगा। दोस्तों ये था हमारा 22 फीट इंटू 32 फीट का हाउस प्लान। उम्मीद है आपको ये प्लान भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।